सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ मूर्ख लोग ये पूछते हैं कि ये तो हिंदू पत्थरों को पूजते हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं तो खाते इसी देश का हैं, रहते इसी देश में हैं, पीते इसी देश में हैं और बोलते भी इसी देश के खिलाफ। उनको हमने जानवरों की संज्ञा दी है महाराज, क्योंकि जानवरों में बुद्धि नहीं होती है ना, तो इसलिए हमने उनको संज्ञा दी जानवरों की, क्योंकि वो जानवर हैं। और हमारे आस पड़ोस के जो देश, एक दो देश है, जिन बंटवारे के समय जिनके पास एक पैसा नहीं था, तो भारत ने 65 करोड़ रुपए देकर उनके सर पर तरपाल आई थी उस समय। आपका पड़ोसी देश है जम्मू कश्मीर के साथ वाला देश है, पाकिस्तान जिसे कहते हैं, भारत से अलग हुआ है। भारत के कई मंदिर वहां पर ऐसे हैं आज भी। एक माता रानी का मंदिर है, बड़ा ही विख्यात मंदिर, सिद्ध मंदिर है। आज वो कहते हैं कि भारत पर हम कब्जा करेंगे। अरे जहां आप जैसे भगत हैं, आप जैसे भक्तिवान भगत हैं, वहां पर कोई नहीं कब्जा कर सकता, वहां केवल भगवान का कब्जा रहेगा और भगवान ही वहां पर अपना ऐश्वर्य रखेंगे। खुलकर बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा मुझे प्रसंग याद आ गया बहन जी, जब देश हमारा गुलाम हुआ था, 200 साल पुरानी बात है, 1947, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया भारत पर। तो अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लेकर आए और भी कंपनियां लेकर आए, तो भारत पर जब कब्जा किया तो जश्न मनाया गया, विदेशियों ने, फिरंगियों ने जश्न मनाया। और उस जश्न में हमारे भारत के लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे। उनकी जब यात्रा निकल रही थी, हमारे भारत के लोग दोनों तरफ यात्रा देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो जो वहां का वो जर्नल था, विदेश से आया था, वो कहने लगा, ये लोग कौन है, इतनी भीड़ कैसी है। और भीड़ देखकर डर गए। वो मुट्ठी भर लोग थे, 500-700 हजार लोग थे जो विदेश से आए थे, और लाखों की संख्या की भीड़ हमारी भारतवासियों की खड़ी थी, एक इधर कि जर्नल आ रहा है, उसका स्वागत हो रहा है, तो सब लोग स्वागत कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो जर्नल ने अपने सेनापति से पूछा कि ये कौन है, कौन लोग है, इतनी भीड़ कैसी है, कहां के हैं। उन्होंने कहा, जिस देश पे आपने कब्जा किया है, जिस देश को आपने गुलाम बनाया है, ये वो लोग हैं। कि इतनी भारी संख्या में लोग हैं तो हमने गुलाम कैसे बना लिया इनको। उन्होंने कहा कि महाराज, इनमें एकता नहीं है, इनमें एकता नहीं है, इसीलिए ये हमारे गुलाम बन गए। लेकिन जब धीरे 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 आप लोग जागने लगे, 1947 में जब पूरी तरह जाग गए, आप एक हो गए सब लोग, सत्याग्रह हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, अनेक ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें कई लोग मारे गए हैं, तब सब लोग जागे हैं धीरे धीरे करके। और जब वो जागे तो आपको आजादी मिल गई, उनको भागना पड़ा। वो थी हमारे देश की संस्कृति को, सनातन को बचाने की बात, हमारे देश को आजादी दिलाने की बात। और आज बात है अपने धर्म को बचाने की, गौ माता को बचाने की। गौ माता को काटा जाता है, ले जाया जाता है, और ले जाता कौन है, हमारे देश के लोग, हमारे में से बीच में से एक लोग व्यापार करते हैं गाय माता का। तो केवल घंटी बजाने से, आरती करने से पूजा पाठ नहीं होती है, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होकर गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी, धर्म को बचाना पड़ेगा। अगर धर्म बचेगा तो सब कुछ बच जाएगा। अगर धर्म अस्तव्यस्त हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। धर्म के प्रति सोचना शुरू कर दो। धर्म बचेगा तो आपके बच्चे बचेंगे, धर्म बचेगा तो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे, आपके ग्रंथ बचेंगे तो आप ज्ञान दे पाएंगे। तो इसीलिए धर्म को बचाना जरूरी। बोलिए हरे कृष्ण।